इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजी लॉकर के अंदर अगर आपको इस तरीके से दिखाता है उप्स देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक योर कनेक्शन, तो इस तरीके से आपको दिखाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपका इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए, और उसके बाद एरोप्लेन मोड को एक दफ़े लगा लीजिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा। उसके बाद फिर बैक लाइएगा और यहाँ पर जो है एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, डेट एंड टाइम पर जाइएगा और यहाँ पर यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिएगा, या टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर टिक करके लगा दीजिएगा। उसके बाद बैक लाइएगा और यहाँ से जो है बैक ला दीजिएगा, फिर ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और डिजी लॉकर को यहाँ पर सर्च करिएगा और इसे खोल लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज आपको लगा हुआ दिखाई देता है या किसी एक ऐप पर लगा हुआ दिखाई देता, किसी एक जो है सिम पर या वाईफाई पर लगा हुआ दिखाई देता है, तो आपको तीनों पर टिक करके लगा देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको बैक लाना है और प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है डिजी लॉकर, और इसके अंदर अगर आपको अपडेट दिखाई दे तो अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अपडेट करते ही आपको फिर अपने फ़ोन को फिर बंद करके बस खोल लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व मिलेगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।